तेरा बन जाए। मम्मी आज एक बहुत बड़ा काम हो गया। एडवोकेट ज्योति शरण जी पापा का केस लड़ने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा है कि कल तक जमानत भी हो जाएगी। तुम लोग सच कह रहे हो ना? हम झूठ क्यों कहेंगे? नहीं बेटा, हम ऐसा नहीं कह रहे कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। भाग्य हमारे साथ ऐसा खेल खेल रहा है कि खुशी तो हमारे लिए नाम भर रह गई। अब आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पापा घर आ रहे। अब प्रतिज्ञा, हमें अभी याद आया तुम्हारे ससुर का फोन आया था। बेटा हमें लगता है तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, अभी बहुत देर हो गई। बेटा कृष्णा लेने आएगा या हम आदर्श से कह दे तुम्हें छोड़ आएगा? जिस तरह नाराज होकर गया है, हमें नहीं लगता है कि वो हमें लेने आएगा। लेकिन मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ। तुम्हें तो हर बात उल्टी लगती है। तो हैरानी ही बात की कि आज तक तुम हमको समझ ही नहीं पाई। आज तक ऐसा कितनी बार हुआ कि हम तुमको लेने नहीं आए या छोड़ने नहीं आए, बताओ? ऐसा हुआ है कभी? लेकिन तुम व्यवहार हमारे साथ ऐसा कर रहे हो कि हम सोच रहे हैं कि लेना ले जाना छोड़ ही दे। नहीं बेटा, हम तो सोच ही रहे थे कि बहुत देर हो गई है और प्रतिज्ञा को अपने घर। आपने सही सोचा सासू मां, देर नहीं बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। कृष्णा तुम ठीक तो हो ना? इतने चुप चुप से क्यों? पूछोगी नहीं अंदर क्या हुआ? भैया कुछ दिन पहले प्रतिज्ञा जी ने अंकित भैया को चाटा मारा था। भैया उन्होंने अरुषि जी को कुछ कह दिया और प्रतिज्ञा जी भड़क गई। उन्होंने उनके जोरदार चाटा मारा और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद वो बस यही कह रहे थे कि बेइज्जती का बदला लेंगे, बेइज्जती का बदला लेंगे। अंगद यादव को आपकी पत्नी के शिकायत पर गिरफ्तार किया था, कहिए तो उन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई थी मैं उसकी कॉपी आपको दिखा सकता हूँ। मिला है छलनी है दिल, दुनिया नहीं भरोसे काबिल। जिया जिया सांसों में तुमको लिया, जिया
मतलब अब ही खराब होने की। आँखों से क्यों कह दो कदमों में ये चाह रख दो किया किया मुझको ही बेरी किया किया। बारिश तो बंद हो जाने देते। अगर बारिश बंद हो जाने तक रुकते तो इतना नहीं भीगते।